अलवर के सदर थाना अंतर्गत बहादुरपुर गांव में देर रात अज्ञात बदमाश पीएनबी के एटीएम को उखाड़ कर ले गए। एटीएम में करीब 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बताई जा रही है। यहां कोरोना की गाइडलाइन के चलते बाजार 7 बजे बंद हो जाते हैं और 8 बजे बाद से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू भी जारी है। ऐसे में कस्बे में बदमाशों का गाड़ी में आना और एटीएम उखाड़ कर ले जाना पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। बहादुरपुर कस्बे में रात करीब 3 से 4 बजे के मध्य गाड़ी से आए अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। यहां एटीएम में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन शातिर बदमाश अपने साथ डीवीआर भी उखाड़ कर ले गए। बदमाशों ने शटर का ताला तोड़ा और एटीएम को घसीटकर बाहर लाए और गाड़ी में लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने एटीएम के ऊपर का हिस्सा वही नाले में पटक दिया। घटना की सूचना पर सुबह प्रेस शिक्षु आईपीएस ज्येष्ठा मैत्री जाप्ते के साथ मौके पर पहुंची और तथ्य जुटाए। यह घटना रात करीब 3 से 4 बजे के मध्य की होने का अनुमान है, लेकिन बैंक प्रबंधन सुबह 11 बजे तक यह साफ नहीं कर पाया कि इसमें कितना पैसा था, क्योंकि अंतिम समय में एटीएम ऑफलाइन होने की स्थिति की वजह से रकम का अंदाजा नहीं लगाया जा रहा। बहादुरपुर से चोरों के निकलने के लिए एक रास्ता चिकानी होते हुए भिवाड़ी और तिजारा मेगा हाईवे की तरफ जाता है, तो वहीं दूसरा रास्ता रामगढ़ होते हुए हरियाणा या भरतपुर की तरफ निकलने का है। पुलिस अभी आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है कि बदमाश किस गाड़ी से आए और कितनी संख्या में थे। पुलिस ने घटनास्थल के पास नाले से एटीएम के ऊपर का हिस्सा बरामद कर लिया है। वहीं नीचे का हिस्सा जिसमें रुपए थे बदमाशों से अपने साथ ले गए। अब वो तो सुबह एटीएम टूट गया था, वो तो सुबह मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है, पुलिस भी खड़ी हुई है। तो फिर यहाँ पे देखा कि भाई पूछा कि भाई कैसे है, दोनों के एटीएम टूट गया भाई। तो एक तो क्या है कि गलत जगह लगा हुआ है एटीएम, कि मेन रोड पर लगा हुआ है और गांव से बाहर एटीएम है, तो जबकि ये चीज़ ये शहर के बीचों बीच होनी चाहिए, जिसमें चोरों को मतलब इतनी वारदात करने का इतना मौका नहीं मिल पाता है। अब ये सेफ है, ऑन रोड है, कॉर्नर पे है, तो इसमें मतलब ये वारदात है। यानी कि जैसे मान चले इससे पहले लॉकडाउन से पहले मार्केट खुला रहता था 10-10 बजे 11 नहीं, वो 10-10 11 बजे के ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो कहेंगे मार्केट जल्दी खुल जाते हैं। मार्केट क्षेत्र में तो मतलब 7 के सर्दी में 7 बजे तो ऑटोमेटिक लॉकडाउन नहीं था ना, तब भी मैं 7 बजे मार्केट बंद हो जाता था। अब हम यहाँ बाहर बैठे हुए हैं तो हम बैठते हैं 8 बजे तक बैठते हैं, लॉकडाउन था तब भी 8 बजे तक बैठते, तब भी लॉकडाउन। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जो एटीएम ये लगा हुआ था ये गलत लगा हुआ था, ऑन रोड पर गाँव से बाहर लगा हुआ था, यही कारण है कि उनको आसानी से ये काम करने का मौका मिल गया कि वो एटीएम उठा के यहाँ से ले गए।